Peace out!
अज जी नौजवानों वालों मोटरसाइकिल रैली जी किसान भरू नीतियों के खिलाफ काले कानून के खिलाफ बाबा दीप सिंह जी के गुरद्वारा साहब तो अरदास बेनती करके निकले सी, जिदे वख वख एन जी ओज ते साडे नौजवान वीर सभा सोसाइटियां वाले ये सारे वीर पार्टिसिपेशन है। पार्टीबाजी तो उपर उठ के ये किसानों के हकों वास्ते जी मुहिम जी शुरू हुई है उहदे विच अपना अपना योगदान है। उत्थे संत बाबा पूरी वाले वालों भी सहयोग है। मैं सारे आए हुए नौजवान, क्योंकि अज देशों विदेशों वर्ल्ड दे विच प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिहड़े कानून काले कानून किसान भरू नीतियों के खिलाफ बीजेपी गौरमेंट वालों जिहड़े थोपे गए ने वह वापस लैन बारे जिहड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुंडली बार्डर के उपर दिल्ली के आसे पासे बहुत वड्डी तादाद च लखां दी तादाद च जिहड़े किसान वीर साडे बैठे ने, नौजवान वीर बैठे ने। अज अमृतसर के भी एन जी ओ सारियां इकट्ठियां हो के मोटरसाइकिल रैली कढ़ी की तां जो होर लोगों का जिहड़ा हौसला वधाया सके ते इस दे विच साथ दिता जा सके। कांग्रेसियों नूं गल दिल्ली पंजाब दे बारे देखो उहदे बारे मैं कहणा जिहदा सर बंदा इदां, मैं इस चीज़ नूं वैसे गलत कहना वा, क्योंकि कोई भी वीर है चाहे वह पार्टीबाजी का कोई भी है वो जो पार्टीसिपेशन कर रहा गलत नहीं होना चाहिए। जे थोड़ा कोई साथ दे रहा उदा इज्जत मान करो, कम से कम कोई माड़ी लैंग्वेज नहीं बनी, क्योंकि जे आप सारे यूनाइटेड है अज जिहड़ा ये माहौल बनया पाया तीन महीनों तो खास तौर पर पिछले महीने के जदों का प्रोटेस्ट होया सारा एक होया पाया, किसान जथेबंदियों की रहनुमाई हुई है, धार्मिक संप्रदावान आई ने, सियासी पार्टियां आई ने, एन जी ओस आई ने, यह पंजाब का जिहड़ा एका वा ये बहुत मजबूत होया वा, भाईचारक सांझ बड़ी मजबूत हुई है। आने वाले समय के जेडे साढ़े तो एलीगेशन आते भी पंजाब बहुत ज़्यादा नौजवान पीढ़ी का बिड़ा गर्क हो गया नशेवान, अज इस कट्ठ ने जिहड़ा पिछले महीने तो चल रहा है इस ने कई पंजाब की जी सेवा भावना की गल करिए, कुरबानिया की गल करिए, संघर्ष की गल कर लिए, नौजवानों से जागरूकता की गल करिए, फिर पहले नंबर पर लिया के खड़ा करता। तो जिहड़ा कट्ठ हैगा पंजाब पंजाबीयत का जिहदे विच होर भी साढ़े राजस्थान वाले भी यूपी वाले साथ दे रहे हैं, आने वाला समा कामयाबियां दा समा है, सानू पूरा यकीन है। बोले जी अज का जी जिहड़ा ये प्रोग्राम लिखा है कि गुरद्वारा बाबा दीप सिंह शहीदगंज अमृतसर तो अज एक विशाल रैली जी किसान रोस मार्च जिहड़ा कढ़िया गया नौजवान वीर वालों सारिया वालों रल के, जिस विच बच्चे बजुर्ग ते बुढ़े सारिया ने उत्साह दिखाया है, क्योंकि ये जिहड़ा हक है ये कल्ले किसानों का ही नहीं है, सारे विश्व का सारे जहान का है, ये कल्ला ये किसान का मुद्दा नहीं सारे जहान का मुद्दा है। जे किसी कोई सब्जी भाजी ज फ्रूट ज इतों तक भी मोदी को जो काजू खाता है, जे कोई ड्राई फ्रूट खाता है फ्रूट खाता है तो वह भी किसान पैदा करता है, जे किसान नहीं तो जहान नहीं, इस करके ये कल्ले किसान का ही मुद्दा नहीं है, साडा सारिया का मुद्दा है। इस करके सारा विश्व जिहड़ा कनेडा इंग्लैंड सारे मुल्कों के भी पूरे पंजाब के जिहड़े पंजाबी जिते जिते बैठे ने उहदे नाल दूजे भी साडे वीर भरा सानू सहयोग दे रहे हैं, हरियाणा हिमाचल के वीर भी साडे नाल खड़े ने। अज असी इस अपने हकों की खातर सड़कों से उतर के आए हैं, ये केंद्र कोलों असी अपने जिहड़े आ वो हक जिहड़े लैके रहांगे। और जयदा श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी यह नारा लाया है कि ये जिहड़ा ईवीएम सरकार है कोई लोकतंत्र की सरकार नहीं, ये लोकतंत्र ने नहीं चुनी, ये अपनी ठगिया नाल अपनी फरेबी नाल ईवीएम की घपलेबाजी नाल सरकार बन के आई है, कि अपने जिहड़े आ गलत तरीकों नाल गरीब नूं जिहड़ा वो होर नप्पण का कोशिश किया जा रहा है, और जिहड़े वड्डे वड्डे जिहड़े पूंजीपति ने उन्हां नूं होर उपर चुक्या जा रहा है, किसान नूं मजदूर बनाउंदे जिहड़े गलत मनसूबे ने, क्योंकि गुरु नानक साहब ने और उन्हां गाड़ी जिहड़े सिख जगत विच बाबा बंदा सिंह बहादुर और सारिआं ने जिहड़े किसान दे वास्ते नारा बुलंद किया उन्हां दी खातर उपदेश बख्शिश किए, पर अज असीं वेखदे हां कि गुरु साहब वालों बख्शिश किए जिहड़े इन्हां दे उत्ते साडे सरकार जिहड़ी आ मारू नीतियां जिहड़ियां लै के आ रही है, पर असीं सरकार दे मारू नतीजियां गलत मनसूबियां नूं कामयाब नहीं होण देवांगे, इस करके असीं उहदे खिलाफ़ हाँ और किसानों के हक में हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। रैली जी जी इत्थे शहर के वख वख मेन बाज़ारों हो के जिहड़े आम लोगों तक भी जागरूकता पैदा करने वास्ते ये रैली जिहड़ी आ कढ़ी गई है जी, और कढ़ भी रहे नाल नाल जी। बाबा जी अज जिहड़ी रैली कढ़न लगे उहदे बारे की कहना चाहोगे दसो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। केंद्र सरकार वालों खेती कानून जो किसानों विरुद्ध बनाए गए हैं, देश भर के किसानों वालों बॉर्डर से बैठ के
इस नूं रद्द करन दी जो मंग ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਨ ਜੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸੰਤਾਂ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਨਾ ਲੜਾਓ, ਨਾ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।